दबंगों ने सोसाइटी के गार्ड की जमकर पिटाई की। सीसीटीवी में कैद हुआ सारा मामला। पुलिस ने किया 3 लोगों को गिरफ्तार। जेल से रिहा हुई खुशी दुबे, पुलिस ने लगवाए घर के पास सीसीटीवी कैमरे। जल भराव की समस्या से परेशान विद्यार्थी, बच्चों और नागरिकों ने किया प्रदर्शन। अंधविश्वास उन्मूलन समिति के अध्यक्ष कप्पू का पुतला नारेबाजी करते हुए पुतले में लगाई आग। रील बनाते हुए युवक का वीडियो हुआ वायरल। रील बनाने वाले पर पुलिस ने ले रही एक्शन। खबर गाजियाबाद से है, जहां नंदग्राम थाना क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन की अजनारा सोसाइटी में कुछ दबंगों पर आरोप लगा कि उन्होंने सोसाइटी के गार्ड की जमकर पिटाई कर दी और इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल अजनारा सोसाइटी में ये लोग किसी फ्लैट में जाने के लिए पहुंचे थे, तभी वहां मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड ने उन लोगों से फ्लैट में जाने से पहले उनके फ्लैट के मालिक से फोन पर बात करने की बात कही और दबंगों ने गार्ड की पिटाई शुरू कर दी। बता दें मारपीट का सारा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसके बाद गाजियाबाद की कमिश्नरेट पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही 3 के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया है। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें कि एक गार्ड के साथ 3 युवक मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यह वीडियो अजनारा इंटीग्रेटेड सोसाइटी थाना नंदग्राम क्षेत्र का बताया गया। इस संदर्भ में कल दिनांक 21 जनवरी को थाना नंदग्राम पर मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है तथा आज मारपीट करने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। कानपुर के विकास दुबे कांड में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जेल से रिहा हुई खुशी दुबे के घर पर आसपास आधी रात को पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए, जिसके बाद खुशी दुबे के वकील ने आरोप लगाया कि पुलिस उनके मुवक्किल की निगरानी करना चाहती है। कांड में निरुद्ध खुशी दुबे को कल माननीय न्यायालय के आदेश से रिहाई मिल गई। कल हम लोगों ने उन्हें उनके घर पर छोड़ दिया। आज सुबह उनके घर के आसपास एक अजीब बात देखी गई। उनके घर के चारों ओर पूरी गली में सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल्ड हैं, लगे हुए हैं। अगर ये सीसीटीवी कैमरे सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए हैं तो ये कोई गलत बात नहीं है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल जुड़ेंगे। अनिल, खुशी दुबे की रिहाई के बाद उनके घर के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए गए हैं, क्या कुछ और अधिक जानकारी सामने आ रही है इसको लेकर? जी, मैं बता दूं कि खुशी दुबे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शनिवार रात को कानपुर देहात से देर रात रिहा हुई थी। उसके बाद जो खुशी दुबे है वो अपने घर पंची निवास पे आई थी और दो साल बाद जो उसकी रिहाई हुई थी उसमें काफी खुश थी। लेकिन जब एक अजीब प्रकरण सामने आया जिसमें खुशी दुबे के घर के चारों तरफ पुलिस ने कैमरे इंस्टॉल करा दिए हैं, हालांकि इस पे वकील ने इनके जो वकील है उन्होंने आपत्ति जाहिर की है कि पुलिस इस तरीके से काम कर रही है और एक लड़की को इस तरीके से कैमरे को निगरानी पर रखना तो कहीं ना कहीं ये गलत बात है। इसके अलावा उनके वकील ने ये भी बात बोली है कि अगर पुलिस अगर इस तरीके से काम कर रही है, अगर रातों रात इस चीज का ये प्रकरण कर रही है तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात होती है कि पुलिस की आखिर मंशा क्या है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल। मामला थाना सातनी गेट क्षेत्र के कृष्णापुरी मठिया के अंतर्गत का है, जहां आए दिन बच्चों को गंदे पानी से होकर स्कूल तक गुजरना पड़ता है और जल भराव के कारण वहां के बच्चे के साथ कोई ना कोई अप्रिय घटना होती है। साथ ही वहां के नागरिक उस जल भराव की दुर्गंध से परेशान है। नागरिकों के द्वारा बताया जा रहा है कि कई बार नगर निगम में इस समस्या को लेकर नगर आयुक्त तक पहुँचाया गया है मगर अभी तक कोई समस्या का निस्तारण नहीं किया गया है। नगर निगम अधिकारी आते हैं और देख कर चले जाते हैं मगर समस्या का निस्तारण नहीं करा पाते। वहीं कुछ दुकानें बनी हैं
जिनके उन्हें व्यापार पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। वहीं नगर निगम की टीम कृष्णापुरी मठिया पर आई तो स्कूल के बच्चों ने नगर निगम की गाड़ी को रोका और जमकर प्रदर्शन किया। हुआ बच्चे सहारे से जाते हैं, कभी भी करंट आ जाता है तो करंट आ जाएगा, तो कभी कोई हादसा हो जाएगा जिसका जिम्मेदार नगर निगम होगा। अतः यह समस्या जल्दी से जल्द हल कराएं, नहीं किसी दिन बड़ी समस्या का भुगतना पड़ जाएगा नगर निगम को। बाबूलाल जैन इंटर कॉलेज के पास ही है समस्या, पिछले 2 माह से बनी हुई है। यहाँ पर सहायक नगर आयुक्त, सीवर इंस्पेक्टर, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सुपरवाइजर सभी को पिछले 2 माह से यह जानकारी है और यहाँ पर गाड़ी आती है और चूतिया बनाकर चली जाती है कि पानी खत्म हो गया, कि ये हो गया और वो हो गया, और समस्या एज इट है। और पिछले 2 माह से छात्रों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, पानी में होकर आना जाना पड़ता है। ज्ञापन दिया गया है जी, ये शिक्षकों द्वारा आज एक ज्ञापन दिया गया है OPS स्कीम के फेवर में और NPS के विरोध में। तो ये जो ज्ञापन दिया है इसको मैं एलिजिबल प्लेटफॉर्म पे पेश करूंगा। तो सर, जो तिरंगा यात्रा निकाली है, 2 मिनट सर, साथियों, 2 फरवरी को फिर एक बार आंदोलन करेंगे, उसकी परमिशन नहीं थी। तिरंगा यात्रा की जो परमिशन थी ये मैंने नहीं दी थी, इसीलिए इसका मूवमेंट यहाँ से नहीं कराया गया है। रोकी गई है ना सर? जी रोकी। अच्छा सर, ये बताइए कि रोकी जी, इसकी परमिशन नहीं थी, इसकी जो तिरंगा यात्रा थी आज उसकी परमिशन नहीं थी। जिले के सुभाष चौक पर हिंदू संगठन के लोगों ने बागेश्वर धाम के दरबार के सनातन सेवक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर चैलेंज करने वाले अंधविश्वास उन्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव का पुतला विरोध में फूका और कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को मोहरा बनाकर सनातन धर्म पर हमला बोला जा रहा है, जिसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं पुतला फूकने से पहले हिंदू संगठन के लोगों ने पहले जुलूस निकाला, जिसके बाद नारेबाजी करते हुए पुतले में आग लगा दी। ये लोग मानने को तैयार नहीं है, लेकिन मैं मानने को तैयार हूँ। क्यों? वो हनुमान जी के पुजारी हैं, बागेश्वर धाम की सेवा करते हैं, हनुमान जी की उन पर साक्षात कृपा है। जो भी हनुमान जी का उपासक होगा, सच्चे मन से हनुमान की पूजा करता होगा, उस पर हनुमान की कृपा होती है, वो बिना पूछे सब जान लेता है, सब कुछ बता देता है। इससे लोग आडंबर बता रहे। खबर गाजियाबाद से है, जहां रेल बनने के चक्कर में लगातार पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ लोग रेल बनाने में बाज नहीं आ रहे हैं। एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें तमंचे पे डिस्को गाने पर रेल बनाया गया है और वायरल वीडियो थाना इंद्रापुरम के ग्राम कनावनी का बताया है। युवक का नाम सम्राट बताया जा रहा है। औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सतेश्वर निवासी एक महिला सुबह चाय बनाने के दौरान आग में झुलस गई। वहीं आग बुझाने में उसकी ननद भी आग की चपेट में आ गई, जिससे दोनों लोगों में आग बुरी तरह से झुलस गई। वहीं परिजनों ने आनंद फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। बैठे तो कुर्ता पकड़ ली आग में, नंद हमारी बुताने के चक्कर में वो भी जल गई। कहां है ये? दोनों हाथ है और ये इधर है और जहाँ है। अच्छा, ये बताइए आप जहाँ जली हैं, मतलब किस स्थान पर जली हैं, कहाँ रहती हैं आप? पूर्वाल स्कूल के पीछे। अच्छा, आपका नाम क्या है? शिवानी। पति का नाम क्या है? सोनू। और साथ में कौन जलाए आपके? नंद। उनका हाथ मतलब गद्दी गद्दी जल गई है। उनका क्या नाम है? नीतू सिंह। उनके पति का नाम? मुन्ना। खबर फरीदाबाद से है, जहां स्टेट क्राइम टीम को बड़ी सफलता मिली है। बता दें, ATM बदल कर ठगी करने वाले को, जिन फाइलों को फरीदाबाद की पुलिस अनट्रेट मानकर बंद कर चुकी थी, उन फाइलों को दोबारा खोलकर स्टेट क्राइम की टीम ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, बल्कि उनसे और खुलासे अभी भी किए जाने बाकी हैं। ऐसे में ही एक ATM फ्रॉड कर भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड को स्टेट क्राइम की टीम ने दिल्ली के कड़कड़डूमा से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बहुत सारी वारदातें अंजाम दी हैं और फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में एक्सपर्ट हैं। इसका एक साथी हमने पहले भी अरेस्ट किया हुआ था। ये दोनों मिलके फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड और फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, और उन्हीं फर्जी आईडियों पर फिर ये अलग अलग बैंकों में खाते खुलवाते और उन्हीं फर्जी आईडियों पर ये अलग अलग
कार्ड स्वैप मशीन लेते। उसके बाद ये जो अनजान जो शरीफ लोग हैं जो जिनको ज्ञान नहीं होता ढंग से, एक बुज़ुर्ग हो महिला हो, उनके एटीएमों पे जाकर उनका कार्ड चेंज करके और जो इन्होंने फर्जी खाते खुलवाए हुए हैं उनमें उन फर्जी जो मशीन ली हुई है उनसे कार्ड स्वैप करके अमाउंट उनमें ट्रांसफ़र करके और करोड़ों रुपये का चूना लोगों। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनोज जुड़ेंगे। मनोज, देखा जाए स्टेट क्राइम टीम को बड़ी सफलता मिली है। नंदिनी बता दें, दिल्ली से सटे फरीदाबाद में स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम ने उन फाइलों को खोला है जिन फाइलों में ये जो ठगी करने का जो गिरोह है उनका जो मामला था वो बंद पड़ा था कहीं ना कहीं। अब स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम के पास वो फाइल पहुंची है जिसके बाद इन्होंने जो लोगों बुजुर्ग लोगों के साथ जो एटीएम में जाकर ठगी का शिकार बनाते थे लोगों को, उनके जो सातिर मास्टरमाइंड है कहीं ना कहीं पुलिस ने, फरीदाबाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इतना ही नहीं, इससे पहले भी इस गिरोह के दो सदस्यों को भी स्टेट क्राइम ब्रांच की जो टीम है उन्होंने सब पकड़ने में सफलता हासिल की है। पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ये जो अब जो तस्वीर में जो दिख रहा है ये सातिर मास्टरमाइंड है जो फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर कई जगह बड़ी बड़ी जो घटना है वो इनको अंजाम दे चुका है। और यहाँ तक नहीं, पुलिस को भी कई बार चकमा देने के भागने की जो फिराक में ये जो आरोपी है वो कहीं ना कहीं पुलिस से भागने की जो फिराक में रहता है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज। खबर देवरिया से है जहां देवरिया प्रभारी निरीक्षक रामपुर कारखाना में पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी में जुटी थी। बता दें पुलिस ने दो पहिया वाहन के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में पुलिस टीम बरामद मोटरसाइकिल को कब्जे में लेकर नियमानुसार कार्यवाही कर रही है। खबर कासगंज से है जहां पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के कुशल निर्देशन व कासगंज अपर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार दुबे के पर्यवेक्षण में जनपद के सभी थानों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में गंज डूंडवारा कोतवाली प्रभारी हरिबान सिंह राठौर ने दो टीमें थाना क्षेत्र से निकाली जिसमें पांच अभियुक्त एक नरसुल्ला ग्राम समसपुर थाना गंज डूंडवारा को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिसके बाद गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। है जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि पांच वारंटी अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इसके साथ ही अब उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। खबर कासगंज से सामने आ रही है जहां पांच वारंटी अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देखा जाए तो गंज डूंडवारा की तरफ से पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, इसके साथ ही उन अभियुक्तों को अब न्यायालय में पेश किया जाएगा। खबर अलीगढ़ से है जहां नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा जनता को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है। बता दें बीते दिनों बंदरों को लेकर नगर निगम के अधिकारियों से शिकायत की गई थी और शिकायत के बाद भी समस्या का कोई निस्तारण नहीं किया गया, जिसका खामियाजा युवक को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। बंदरों के आतंक से परेशान जनता लगातार मौत के आगोश में सोती नजर आ रही है, जिसको लेकर जिम्मेदार अधिकारी मौन नजर आ रहे हैं। मेरे ताजाद भाई थे, ऊपर पौधों में पानी लगाने आए थे, तो आजकल बंदरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि बंदर भगाने के चक्कर में इनका पैर स्लिप हुआ और ये तीन मंजिल से नीचे गिर पड़े। बंदर आ गए थे, कितने बंदर करीब? बंदर बहुत है यहाँ पर, करीबन 25-30 बंदरों ने घेर लिया था इनको, हमने कैमरे में देखा बाद में। कितनी ऊंची बिल्डिंग है ये? तीन माले की बिल्डिंग है और सबसे ऊपर वही छत पे से गिरे हैं। उस छत पे कपड़े वगैरह सुखा रहे थे? नहीं, पौधों में पानी वगैरह डाले थे, पौधे हैं ना, इनमें पानी वगैरह डालने के लिए। क्या नाम है? इनका नाम माजिद अली है। जाहिद अली। इनके ऐसे होगी 45-50 के बीच में होगी। काम ये वही लेबर का काम करते थे, पावर प्रेस लगे हुए हैं तो थोड़ा बहुत वही मजदूरी का काम करते हैं। क्या चीज? कौन सी जगह पे ये आते? आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय के अधीन प्रोसीड इंडिया द्वारा कुशीनगर जनपद के हाटा क्षेत्र के नारायणपुर में स्थित भारत पेट्रोलियम पंप के पास 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया और इस दौरान स्वास्थ्य शिविर से संबोधित करते हुए भारत पेट्रोलियम के प्रादेशिक प्रबंधक रिटेल गोरखपुर राजेश ने कहा कि इस स्वास्थ्य शिविर के आयोजन का मुख्य उद्देश्य वाहन चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण का है। वाहन चालक जब स्वस्थ रहेंगे तो दुर्घटनाएं भी नहीं होंगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य शिविर का कार्यक्रम जनवरी से अगस्त तक चलेगा।
जैसा आप जानते हैं कि भारत अपनी 75वीं सालगिरह मना रहा है स्वतंत्रता की, इसको आज़ादी का अमृत महोत्सव का नाम दिया गया है और इसी के तहत हमने यहाँ पे एक मेडिकल चेकअप कैंप किया है जो आयुष मंत्रालय के साथ में है, भारत पेट्रोलियम का। इसमें हम जितने भी रोड सेफ्टी के लिए मेजर्स हैं, जो आग की चेकअप है या बीपी का चेकअप है, शुगर का चेकअप है, ये सारी चीज कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर अपने ड्राइवर्स के लिए जो रोड पे चलते हैं ट्रक ड्राइवर्स। तो इससे रोड सेफ्टी का भी में भी बढ़ोतरी होगी और साथ में उनकी हेल्थ के बारे में। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता ज्ञानेश्वर जुड़ेंगे। ज्ञानेश्वर, देखा जाए तो कुशीनगर में वाहन चालकों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। जी, कहीं न कहीं ये वाहन चालकों के लिए एक बहुत बड़ा सा वरदान साबित होगा जो भारत पेट्रोलियम के तरफ से यह कैंप लगाया गया था। ये आजादी की अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर शिविर का आयोजन किया गया था। कहीं न कहीं आपको बता दें, जो ट्रक चालक हैं वो काफी खुश नजर आ रहे थे, उनका स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा था और उनको मुफ्त में दवाइयां भी दी जा रही थी। इस तरह के जब बात हमारी ट्रक चालकों से हुई तो ट्रक चालकों के द्वारा यह बताया गया कि हम लोग व्यस्त रहते हैं, गाड़ी चलाते हैं, हम लोग के पास टाइम नहीं मिलता है कि हम लोग अपना इलाज समुचित करा सकें। यह एक बहुत ही महत्व की चीजें थी, बहुत ही अच्छी पहल थी भारत पेट्रोलियम की, जो हम लोगों के लिए मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था और हम लोगों को इलाज भी किया गया और समुचित दवाइयां भी दी गई। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्ञानेश्वर। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके बाद सभी हिंदू संगठन के लोग नाराज दिखे और स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला भी दहन किया गया। वहीं गाजियाबाद में हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से तुरंत बर्खास्त किया जाए और सभी सनातन धर्म के लोगों से माफी मांगे, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसे प्रदर्शन जारी रहेगा। हिंदू राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू शिवसेना, जैसे कि आज आपने पुतला फूंका, देखिए जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल बयान दिया है, रामचरितमानस पे सवाल उठाए हैं, हमारे जो भी संत हैं, हमारे जो भी कथावाचक हैं, उनके लिए बोला है कि भांग खा के वो कथा करते हैं, तो उसके खिलाफ आज हम लोगों ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम में हमने आज उनका पुतला फूंका है और सरकार से मांग करते हैं कि उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। क्या लगता है कि सरकार के द्वारा बयान दिया गया है उनका व्यक्तिगत बयान? देखिए भाई, सरकार उनकी जो वो है पार्टी, होता यही कहेगी व्यक्तिगत बयान है उनका। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक विवादित बयान दिया है रामचरितमानस को लेकर, जिस बयान को लेकर हिंदू रक्षा दल से लेकर जितने भी हिंदू समाज से जुड़े हुए लोग हैं वो इस समय पर आक्रोशित हैं। लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला दहन किया जा रहा है। इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं और गाजियाबाद में हमारे साथ हिंदू शेर सेना के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ विकास जी हैं और उन्होंने अभी पुतला दहन किया है। क्या कुछ कहना है उनका, उनसे बात कर लेते हैं। विकास जी, आज आपने पुतला दहन किया है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का और किस तरह से उन्होंने विवादित बयान दिया, क्या कुछ? देखिए जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने रामचरितमानस पे सवाल उठाए, जिस तरीके से वो कहते हैं कि जितने भी बाबा संत हैं भांग खा के प्रवचन करते हैं, तो इस पर हम लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन प्रकट किया, जिसमें आज हमने उनका यहाँ पुतला फूंका है और उनकी गिरफ्तारी की मांग करी है। क्या लगता है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये अपने आप बयान दिया है या पार्टी के कहने पर इस तरह का बयान? अब ये तो पार्टी वाले जान सकते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जान सकते हैं, पर हाँ अगर उनके व्यक्तिगत बयान है तो उनको पार्टी को तुरंत उनको अपने इनके पद से हटाना चाहिए, पार्टी से बाहर करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं कि मैं यादव हूँ, मैं यदुवंशी हूँ, ठीक है, हम बहुत देवी देवताओं का सम्मान करते हैं और आप ही के MLC जो हैं वो हमारे रामचरितमानस पर सवाल उठाते हैं, तो इस पर विरोध होना चाहिए और उनको उनकी पार्टी से हटाना चाहिए। और इससे ज्यादा देखा जाए तो पहले भी कई विवादित बयान दिए गए हैं, हालांकि जब भाजपा में थे स्वामी प्रसाद मौर्य, उसके बाद उन्होंने भाजपा छोड़कर सपा को ज्वाइन किया और जहां जिस सीट से वो लड़ रहे थे वो सीट भी उन्होंने वहां से गंवा दी, तो क्या लगता है कि इस तरह की टिप्पणी और इस तरह की बयानबाजी करना, क्या राजनीति कुछ फायदा चाहते हैं? फायदा उनको क्या मिलेगा, आप भगवान का अपमान कर रहे हैं, रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं, तो फायदा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, पर हाँ आपने अपनी पार्टी के लिए गड्ढे खोद दिए हैं, जो थोड़े बहुत हिंदू आपको वोट करते थे वो भी, जो असली हिंदू है वो आपको वोट नहीं करेंगे।
बाकी तो जो सेकुलर हैं, जो भाईचारे में जी रहे हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, उनका तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता उनके लिए। जी तो देखिए, ये थे हमारे साथ विकास जी, जिन्होंने खासतौर पे बताया है कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयानबाजी करी है रामचरितमानस को लेकर, तो कहीं ना कहीं हिंदू संगठन के जितने भी लोग हैं सभी इस समय नाराज हैं और लगातार उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। गाजियाबाद से प्राइम टीवी के लिए प्रवीण मिश्रा। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।